चोरी के लिए तो आपको निकल के आना होगा सड़कों पर। और इससे ऐसा नहीं, ये लोग कैसे भारत को दुश्मन बनाएंगे जो लोग अपने लोगों की हत्या करेंगे। अगर अपने लोगों की हत्या हो रही है, अपने लोगों की हत्या हो रही है, तो कौन है जो हत्या कर रहे हैं इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना। वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, मामले दबा दिए जाते हैं और हमारे लोग जो है वो केवल फेसबुक तक सिमट के रह गए हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पे इतना रोज दिखेगा आपको, लेकिन जमीन पर जब आने की बात होगी तो किसी की नौकरियां हैं, किसी का स्कूल है, किसी की पढ़ाई है, किसी का कुछ है। अरे सबका सब कुछ है। ये वो कहते ना कि मुर्गा को हलाल करने के लिए जब लेके जाता है कसाई तो केवल वही मुर्गा चल जाता है, बाकी सब लोग दाना खा रहे होते हैं। वो एक एक करके सारे मुर्गे साफ हो जाते हैं, वही हो रहा है इस समय। क्या शाम 6 बजे बड़ी तादाद में हम लोग कैंडल मार्च के लिए उपस्थित हो रहे हैं और दिलीप के हत्यारों को फांसी की सजा और 1 करोड़ के मुआवजे की मांग करेंगे। मेरा अनुरोध है सभी साथियों से निकल के आइए बाहर। आपने आज एक पोस्ट लिखी है, अब आप लोग भी पहले मुसलमान थे अब दिलीप। देखिए लगातार ये खेल जारी है और उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार आने के बाद से मोहसिन शेख की जिससे हत्या हुई, अखलाक की हुई, जुनैद की हुई, इससे स्थिति बिल्कुल साफ हो गई थी। लेकिन जिस तरह इलाहाबाद में घटना हुई है कि वो इसलिए हुई कि राबिया का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, राबिया और सरोज दोनों के लिए चल रहा है। राबिया एक प्रतापगढ़ की औरत थी, उसका बलात्कार हिस्ट्री शीटर करते हैं। 12 दिन हो चुके हैं, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। जब आप किसी को पकड़ेंगे नहीं, किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जंगल राज चल रहा है। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है और आक्रोश फैला हुआ है और जिस दिन ये बांध टूटेगा तो फिर ये सरकार समेट नहीं पाएगी। आपने लिखा अंकित की हत्या हिंदू की हत्या थी, तो सरोज की हत्या क्या है? उसको कैसे ये लोग समझ क्यों नहीं? हमने साफ साफ लिखा था कि अगर अंकित की हत्या में पूरा समाज उद्वेलित हो गया था, पूरा लग रहा था कि हिंदू समाज पे आक्रमण हो गया था, तो जो सरोज की हत्या है उसको क्या हिंदू धर्म की रक्षा समझा जाएगा? एक निजी जाति के व्यक्ति के पैर से ठोकर लगती आएगी तो ठाकुर साहब उसको जान से मार डालेंगे? अगर ये व्यवस्था मध्यकालीन युग की चल रही है तो हम जंगल राज में रह रहे हैं।